हेलो दोस्तों, मैं राहुल और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले ब्लू एंड येलो टोन फोटो एडिटिंग। दोस्तों, अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे वीडियो में एंड तक। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको लाइट रूम ओपन कर लेनी है। लाइट रूम ओपन करने के बाद आपको ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको फोटो को ऐड कर लेनी है। फोटो ऐड करने के बाद दोस्तों, आप यहां ऐड वाले ऑप्शन पर ऐड करके ऑल फोटो पर क्लिक कर सकते हैं। ऑल फोटो पर क्लिक करने के बाद आप जो फोटो ऐड किया वो दिख जाएगा फोटो। तो दोस्तों, सिंपली उसको आपको देख लेनी है, उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस चालू करनी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं फोटो कुछ इस प्रकार की मेरी फोटो है, इस प्रकार आप देख सकते हैं, और यही फोटो को हमें एडिट करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो यहाँ इस बगल में ब्राइटनेस वाला ऑप्शन दिख रहा है लाइटिंग वाले, तो एक्सपोजर को आपको 30% रख देनी है। उसके बाद दोस्तों, हाईलाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके 23% हाईलाइट रख लेनी है। उसके बाद शैडो को देख सकते हैं 14% मैंने रखा है, आप अपने फोटो के हिसाब से रख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद व्हाइटनेस को लगभग 12% और तुम्हारे ब्लैक्स को 26% -26 का रख दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको कलर्स वाले ऑप्शन पर आना है, और आने के बाद वाइब्रेंस को देख सकते हैं मैंने रखे 24% और इसको -14% सैचुरेशन को माइनस किया। उसके बाद ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, आपको एक गोल सा आइकन दिख रहा होगा कलर वाले। उसके बाद सिंपली आपको ग्रीन वाले ऑप्शन पर आना, हरा कलर का जो है उसको पूरा ह्यू को माइनस कर देना, सैचुरेशन को फुल कर देना, और ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा 74% माइनस कर देना। उसके बाद येलो वाले ऑप्शन पर आना है दोस्तों, वही सेम प्रोसेस करना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप लास्ट में स्क्रीन शॉट ले सकते हैं दोस्तों। स्क्रीन शॉट लेने के बाद दोस्तों, सिंपली वहाँ उसके बाद फिर से आपको वो वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली उस वाले ऑप्शन पर आके फिर वही सेम प्रोसेस करना है दोस्तों। उसके बाद ब्लू वाले ऑप्शन पर जा के ह्यू को माइनस कर देना, सैचुरेशन को फुल। अब देख सकते हैं वहाँ कुछ उस प्रकार का है। अब अगर समझ में नहीं आ रहा दोस्तों मेरी बात, तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। इतना हो जाने के बाद दोस्तों, सिंपली आपको फिर से वही वाला ऐप आना है, सैचुरेशन का माइनस, इसका भी माइनस। तो सिंपली आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं जिस तरह कर रहा हूँ आप भी उस तरह कीजिए, आपको फोटो ब्लू एंड येलो टोन में एडिट हो जाएगी। तो इतना कर लेने के बाद दोस्तों, आपको आना सिंपली जो लाल रंग का हद दिख रहा है उस वाले ऑप्शन पर आना है, इसको थोड़ा सा ह्यू को माइनस, सैचुरेशन को माइनस। उसके बाद फिर उसका येलो कलर का बगल में जो है उस वाले ऑप्शन पर आना है पिंक कलर का। उसके बाद वहां से आने से दोस्तों 25% ह्यू को प्लस कर देना है। देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार से मैं कर रहा हूँ, अब आपको भी इस प्रकार की करनी है। इतना हो जाने के बाद दोस्तों डन कर लेनी है। डन करने के बाद बिगिनर वाले जो ऑप्शन है वहाँ आना है। अब देख सकते हैं टेक्सचर को थोड़ा सा मैंने 10% प्लस किया, और फिर से मैंने टेक्सचर को वही किया दोस्तों, माइनस किया और कर दिया। डीएच को थोड़ा सा इंक्रीज और बिगिनर को थोड़ा सा कम। उसके बाद इतना हो जाने के बाद दोस्तों, सिंपली आपको डन कर लेना है। डन करने के बाद दोस्तों, आपको सिंपली उसके नीचे तरफ एक सिंबल का त्रिकोण का ऑप्शन होगा, तो इसमें भी शार्पन को, मास्किंग को थोड़ा थोड़ा करके इस सारे वाले ऑप्शन को इनेबल करना है। और लास्ट को जो लास्ट का जो दो वाले ऑप्शन है डिटेलर्स को, इसको फुल कर लेने हैं। इतना हो जाने के बाद दोस्तों, आपको सिंपली वो जो माइक की तरह दिख रहा है उस वाले ऑप्शन को दोनों को इनेबल कर लेने हैं। इतना हो जाने के बाद दोस्तों, सिंपली आपको डन कर लेने हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, कितना कमाल की फोटो हो गई है मेरी एडिट। अब बिफोर आफ्टर आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरी फोटो कैसी थी और कैसे आई। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।